हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं लाया हूँ 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि ऑप्शन ए उसके अंदर अनुशासन है, ऑप्शन बी उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, ऑप्शन सी उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द ही परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े तो वो कभी भी असफल नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है, ऑप्शन ए जो श्यामपट का अच्छा प्रयोग करता हो, ऑप्शन बी जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, ऑप्शन सी जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हो एंड ऑप्शन डी जो सुस्पष्ट बोलता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, मतलब जिसका समझाने का तरीका अच्छा रहता है वही एक अच्छा अध्यापक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र के लिए ऑप्शन ए पिता की स्थिति में होता है, ऑप्शन बी मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, ऑप्शन सी माता की स्थिति में होता है एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मित्र व हितैषी के स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वो क्या है, शीलता एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्ययनशीलता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें ऑप्शन ए दंडित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें कक्षा के बाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एंड ऑप्शन डी प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन ए बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है, ऑप्शन बी बालक को बुराइयों से बचाना है, ऑप्शन सी बालक को ज्ञान देना है एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है, ऑप्शन ए यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकता है, ऑप्शन बी इसका कोई लाभ नहीं है, ऑप्शन सी यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है एंड ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए एक लाभकारी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा क्या है, ऑप्शन ए साक्षर बनाने का एक साधन, ऑप्शन बी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, ऑप्शन सी समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है एंड ऑप्शन डी मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ऑप्शन बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, ऑप्शन सी समय का सदुपयोग करना एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने को लिए सिखाना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोने के बारे में भी सिखाना चाहिए और समय का सदुपयोग करने के बारे में सिखाना चाहिए। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है, ऑप्शन ए जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, ऑप्शन बी शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, ऑप्शन सी अशिक्षित पारिवारिक परिवेश एंड ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मीन्स जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, मतलब काउंसलिंग की ज़रूरत है। किसी भी बच्चे को अपने जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और वो अभाव होने की वजह से बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो पाते, और दूसरा शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, यह भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से शिक्षा के स्वरूप में संबंध में आपका क्या विचार है। ऑप्शन ए शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, ऑप्शन सी शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप कक्षा में पढ़ा रही है उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करोगे। ऑप्शन ए तुरंत उसके पास चल देंगी, ऑप्शन बी घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे, ऑप्शन सी एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, एंड ऑप्शन डी स्पष्ट मना कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे, मतलब जो आपका पीरियड चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पे जाओगे, तुरंत नहीं जाना है। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप ऑप्शन ए सक्रिय भाग लेंगे, ऑप्शन बी अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, एंड ऑप्शन डी प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन भी कराना है, तो आप ऑप्शन ए विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, ऑप्शन बी किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, एंड ऑप्शन डी विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो ऑप्शन ए छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, ऑप्शन बी अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, ऑप्शन सी अपने अधिकारों के संपर्क में रहे, एंड ऑप्शन डी साथियों का बड़ा समूह बना ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे ऑप्शन ए अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, ऑप्शन बी छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, ऑप्शन सी अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, एंड ऑप्शन डी अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप ऑप्शन ए आत्म निरीक्षण करेंगे, ऑप्शन बी आलोचना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऑप्शन सी अपने कुछ साथियों के खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, एंड ऑप्शन डी चुपचाप अपना काम करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्म निरीक्षण करेंगे। ओके, ये एक प्रधानाचार्य होने के नाते आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वो अपने साथ ना रहे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों से समस्या का पर विचार करना, ऑप्शन सी उसको परामर्शदाता के पास भेजना, एंड ऑप्शन डी उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वो उसके साथ ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन ए उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, ऑप्शन बी स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन सी प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, एंड ऑप्शन डी उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है, तो आप ऑप्शन ए सामान्य ढंग से लेते हैं, ऑप्शन बी इसके कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं,
ऑप्शन सी उसे मना करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन डी इसे गंभीरता से लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे उसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। ओके, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।